सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। सो इस वीडियो आपको बताना है कि यार हाउ टू फाइंड एनी वांट नेम बाय स्क्रीनशॉट्स, मतलब आप फेसबुक इंस्टा ट्विटर कहीं पे भी अगर आप जेएफएक्स डिजाइन या फिर कोई भी चीज़ करते हो, आपको कोई फॉन्ट दिखता है, आपको उसका नेम चाहिए होता है, तो अगर मिल नहीं पाता, आप बंदों से पूछते हो फिर भी नहीं मिल पाता, तो आपको करने बाद आपको ये बताना है कि आप कैसे ढूंढ सकते हो किसी फॉन्ट का नेम वेरी इजली बाय दिस वेबसाइट या फिर आपके एंड्रॉयड डिवाइस से। तो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो करना क्या, सिंपली जो भी फॉन्ट आपको मतलब चाहिए, जो भी फॉन्ट आपको आपने कहीं पे देखा हो, अपने इंस्टाग्राम पोस्ट या फिर किसी पोस्ट पे देखा हो, आपको उस फॉन्ट को जो है उस फॉन्ट का जो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे मैं कोई सा ही फॉन्ट ले लेना है हमको, मतलब ये फॉन्ट जैसे हमको मिल गया, तो हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सिंपली स्क्रीनशॉट यहाँ से हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ये अपना स्क्रीनशॉट हो गया। एंड देन यहाँ से एडिट करके इसको जिसका फॉन्ट है उसको आप निकाल लोगे, इतना कर लोगे। एंड देन बस एंड देन इसको करना है आपको सिंपली अपना क्रोम ओपन करना है या फिर अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना जो भी आपके फ़ोन में है। तो यहाँ पे आपको डालना है www.myfonts.com। नीचे आपको वेबसाइट मिल जाएगी व्हाट द फॉन्ट नाम की, मतलब फर्स्ट वेबसाइट जो आ गई ऐसी कुछ, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते आपको कुछ ऐसा खुल जाएगा, यहाँ पे आएगा ड्रॉप एन इमेज हेयर लिखा हुआ है डिफरेंट, वो यहाँ पे ऐसी कुछ वेबसाइट है, जब लिखा आपको ड्रॉप आ इमेज हेयर टू आइडेंटिफाई द फॉर्म फॉन्ट, तब वो क्लिक करना है यहाँ पे, और जो भी अपनी इमेज का स्क्रीनशॉट लिया था आपको वो लेके डन कर देना है। तो यहाँ पे आपका ये इमेज ऐसा कुछ हो जाएगा, क्रॉप कर लेना है। यहाँ पे नीचे जो ब्लू कलर का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, तो लोडिंग होगी। एंड यहाँ पे तीन चार फॉन्ट्स आएंगे, ये देखो आप देख सकते हो, ये भी उसी की तरह फॉन्ट्स है, जो भी उसकी तरह आपको फॉन्ट्स मिल जाएंगे वही फॉन्ट्स, उनके नहीं आपको उसके ऊपर आपको फॉन्ट नेम मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो आपके जहाँ से भी आप फॉन्ट डाउनलोड करते हो। तो यहाँ पर सेकंड लगते हैं, तो कोई और सा हम लेंगे, अब बैक गए अगेन, यहाँ पर क्लिक करके बाद आपको कोई सा फॉन्ट ले लेना है। तो मैंने ये अपनी इमेज ले ली यहाँ से वाली, थंबनेल है ऐसी, इसमें से हम निकाल सकते हैं, आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ। जैसे आपको करना है सिंपली आपको यहाँ से अपना जो फॉन्ट है उसको आपको निकाल ले लेना है, 20 लिखा हुआ है तो हम इसको ले लेंगे एंड ब्लू कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। बस फिर नीचे लोडिंग होना शुरू कर देगी, तो यहाँ आपका नेम दिखा देगा, मैट्रिक नेम दिखा रहा है डार्क ऊपर लिखा हुआ यहाँ पे आपको। सो ऐसे ही आपको यहाँ पे और फॉन्ट्स नेम्स दिखा देगा, जो भी आपको फॉन्ट्स चाहिए बस आपको अपनी इमेज जो है डालनी है यहाँ पे, एंड देन आपके सामने फॉन्ट्स नेम आ जाएगा। ऊपर क्लिक करते हैं एक और बार, देखते हैं अगेन, एक और बार आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये कोई दोबारा ये इमेज आ गई, सॉरी, तो बैक जाता हूँ, क्लिक एंड देन यार। सो यार ये इमेज मिल लीजिए, कौन सा है कोई सही सा देखते हैं, कोई लिखे तो ऊपर एंड देन देखते हैं कोई सही सा मिले तो उसको दिखाएंगे हम, कोई मिल जा। हाँ तो चलो ये ले लेते हैं, तो इसमें फॉन्ट्स थोड़े बड़े बड़े हैं इसलिए, तो यहाँ पे उसको क्रॉस कर लेंगे। एंड देन जो वेक्टर आर्ट जिससे लिखा हुआ है उस फॉन्ट का नाम देखते हैं यहाँ पे से, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, क्रॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपना क्रॉप करेंगे वेक्टर आर्ट ओनली जो लिखा हुआ है। सो ऐसे करेंगे यहाँ से इतना बड़ा, एंड देन यहाँ से इतना करके आपको करना है सिंपली इस पर पूरा फुल करके कर लेंगे, मतलब इस पर इतना सही। चलो अगर आप इतने सेटिंग जा रहे हैं नहीं करना चाहते तो मतलब जल्दी जल्दी में कर दोगे फिर भी हो ही जाएगा, बट वो वाला फॉन्ट पूरा आ जाना चाहिए। अगर ये देखो इतना आ गया तो कोई बात नहीं, इतना भी आ जाएगा। तो लोडिंग होगी नीचे, एंड देन टॉप पे आपको वेक्टर आर्ट सेम वैसे ही फॉन्ट में दिख गया, सेकंड भी वैसा ही सेम, आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हो। सो गाइस ऐसी न्यू जीएफएक्स डिजाइनिंग ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बता देना नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर लानी है, और यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।